हेलो कार्तिक, यहाँ आया है। वाह पठान साहब, क्या चाय है? फिर सुखी पलटी, मरने वाला जिंदगी का मजा दे गया। शुक्रन पठान साहब। शुक्रन शुक्रन। आप स्टेशन पे चाय क्यों नहीं बेचते? देखेगा सर। चल बल रहा हूँ। जी सर। अल्लाह हाफिज पठान साहब। कार्तिक आया था? हाँ, आया था। क्यों आया था? वो आया था सिर्फ चाय पीने के लिए और कुछ नहीं। इस बात पे तुम इतना बड़ा तमाशा क्यों खड़ा कर रही है? चाय पीने आया था? हाँ, मेरी चाय इतनी बेहतरीन है आज पता चली। इरफान का जिक्र निकाला था उसने? उसका बिल्कुल कोई जिक्र ही नहीं किया। फिर क्यों आया था? वो मेरी चाय पीने आया था, अभी तो बताया तुम। गलती से भी इरफान का जिक्र नहीं होना चाहिए। तू जानता है ना इरफान गुजर चुका है। क्यों नहीं बताया? पठान, तू समझता क्यों नहीं? उम्र के साथ साथ हमारा भेजा कमजोर हो गया। कम साफ कहीं का। अरे ये चाय का चरसी फिर आ गया। पठान, मुझे वो फॉर्मूला दे दे पठान, तुझे बख्श दूंगा। कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर होगा भी तो तुम्हें नहीं बताएगी। बलराम। हुकुम सर। अपने खुले कान पे ढक्कन लगा। ओके सर। रिश्वत की तरह मेरे जेब में फॉर्मूला डाल दे। रिश्वत देना गुनाह है। मैं तुम्हारा दिमाग खोलकर उसमें से फॉर्मूला ले सकता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाय में अदरक कौन सी कंपनी का होता है? चाय की अदरक की कंपनी का क्या करेगी यार तू? ये सुन लेगा, माथा फूट जाएगा। अदरक की कंपनी नहीं है, वही अदरक का बाग। बड़े बाजार में छोटे दरख्त के पीछे एक ही आउटलेट है, दुनिया के लिए 450, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 200। पठान साहब, मैं आज ही ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। स्टेटस के लिए एक फोटो। इस वक्त तेरे पास कौन आया था? वही कार्तिक का बच्चा आया था। तुम बौखला गई है क्या? अरे बंद कर तेरी बकवास। तूने उसे कोई राज की बात तो नहीं बताई? उसने सिर्फ मेरे से अदरक के बाग का पूछी, उसका एड्रेस बताई। उसके अलावा मैंने कौन सी भी राज की बात नहीं बताई। ये भी नहीं बताई कि इरफान चाय के पत्ते में इरफान कहाँ से आ गया? इरफान मर चुका है। आज फिर से मर गया? पठान, तुझे अकल कब आएगी? हमारा प्लान भूल गया? अभी हमें पूरी बात समझ में आ गई। पठान, उस पुलिस वाले के सामने कोई भी राज की बात मत बताना। नहीं बताएगी, बेफिकर रहो। लाला भाई, वो पठान साहब, पठान साहब, अच्छा हुआ घूंघट पहन के आया, किसी ने मुझे नहीं देखा। इसको क्या मालूम, मैंने देख लिया। पठान साहब, वहाँ से आगे बिल्कुल मत बढ़ना। एक कप चाय हो जाए। चाय खत्म। चाय की गुफ्तगू, पीनी पिलानी सब बंद कर दी मैंने। तुम जाओ यहाँ से। पठान साहब, पठान साहब, जरा कुछ ले आओ। पठान साहब, अगर दूध खत्म हो गया हो तो मैं तबेला खोल दूंगा। अगर चूल्हे में घासलेट खत्म हो गया हो तो मैं घर को आग लगा दूंगा। अगर शक्कर नहीं है तो मधुमक्खी के मुंह से मैं शहद ले आऊंगा। अगर तूने मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं की तो तुझे पंखे से लटका दूंगा। ये 10 रुपया रखो और 10 ग्राम सब मंगाओ। 10 मिनट में आता हूँ। नहीं। नहीं। पठान साहब, जो राज आपने बताया मेरे साथ ही दफन होगा। तुझे पता चल गया? पता चल गया। तो ढिंडोरा पीट दे। हाँ पीटता हूँ। उसने तुझे पैसे दिए? हाँ दिए तो क्या, किस वजह से दिए? अरे सामान मंगवाए हो पैसों से। कौन सा सामान? दूध, केतली और चाय की पत्ती मंगवाई। हम पे हमला क्यों किया? मुझे बेवकूफ समझ के रखा है, जो कहेगा मान लूंगा। तूने इरफान की खबर दी, इसीलिए तुझे पैसे मिले। हम बेईमान नहीं है रऊफ लाला। आए दफा हो जा पठान, जा यहाँ से। तूने ईमान का सौदा कर दिया। मैंने सौदा किया है? ये एक नोट लेके मैं क्या पूरा काबुल खरीदने वाला हूँ? भाई ये तो हवाला का नंबर है। हवाला? अरबों की डील होगी। ओए पठान, तू तो हमसे धोखेबाजी, हमसे गद्दारी। अरे इसको उठा के बाहर फेंको। चलो उठाओ इसे। देखो, कहीं का। अरे पार करो इसे, ले जाओ इसे, ले जाओ। अरे तुम लोग भी यहाँ से जाओ। चलो रे भाई, बहुत टेंशन में है। सर, लाला ने एक अननोन नंबर पे कॉल किया है। इरफान बेटा। सलाम अबू जान। ने तेरे बारे में बक दिया, तू जल्दी से बिनी मिल्स पहुंचा और किसी से इस बात का जिक्र मत करना। सर इरफान की खबर मिली है, वो बिनी मिल में शिफ्ट होने जा रहा है। भाई दफनाऊंगा उसे। इरफान, बतलाओगे अरे तू
हयात सता रही थी क्या? बंदूक में जितनी भी गोलियां हैं, उस पर उसका नाम लिखा है रे। ऐसी कोई गोली इजाद नहीं हुई जो मुझे पार कर सके। क्या बोल वचन दे रहा है? ये दो टके के गुंडे अपने मालिक से इतनी वफादारी काय को करते हैं? अगर इन्हें जेल में डाल देंगे तो एमएलए छुड़ाने आएंगे। टाइम की बर्बादी। सही कह रहे हैं सर। बचपन से बुराई को मिटाने का मुझ में कीड़ा है। दुनिया कहे कि ये एक यड़ा है, इस कौले ने मुझे दिया था धोखा, इसलिए मैंने इसे आज ठोका। अंधेरे में जो चमकती है अपन वो रोशनी है, जो जो अपने भेजे में अटका है अपन ने उसे कब्र में पटका है। ओए, तेरे लाला के पूछते हुए चिराग को बचा तो ले। बलराम, आज तेरा हाफ डे, बीवी के पास जा। उसका इंजन चालू है सर। अरे बलराम, जरा फ्लैशबैक में जा। उसके दोनों हेडफोन्स का कनेक्शन मैंने काट दिया, फिर उसके गुर्दे, कलेजी और फेफड़े को पंच मार कर मैंने पंचर कर दिया। उसके मुंह पे पंच मार के टू मच कर दिया। बेईमानी के खून को मैंने पंच से बाहर निकाला। फिर उसकी 42 इंच की एचडी छाती को मैंने अपनी फोर के टांग से तोड़ दिया। फिर चाइना माल जमीन पे गिरा और डिस्प्ले टूट गया। लाला, काय को मेरे से पंगा ले डाला? तेरे छोटे लाले को चढ़ा दे 10 रुपए की प्लास्टिक माला, क्योंकि मैंने उसे ऊपर पहुंचा डाला। गुड बाय मेरे लाला। अब दर्द हो रहा है, अब को दवाई दे देता हूँ, आराम आ जाएगा। अब खा लो, अब ठीक हो जाएंगे। हाँ, फिक्र मत करो, हाँ सुकून मिल गया। सर, जब लेट नाइट फिल्म खत्म होती है और हॉल से बाहर निकलते हैं, तब तक सारे होटल बंद हो चुके होते हैं। फिर जो बीबी गाली खिलाती है, डिस ब्रेक मार। क्या हुआ सर? गाली से मुझे मेरी वाली याद आ गई। हवाई अड्डा ले रे। हाय बीबी। क्यों बुलाया है? पुष्पा, अकेले रहकर मैं हो गया हूँ बेजार, इसलिए करने आया हूँ। चल चल, बकवास मत कर, अब तेरे डायलॉग नहीं चलने वाले, मुद्दे पे आ। ये महाबली आना चाहता है तेरी गली। हाँ, महाबली किसी जंग पर जा रहा है क्या? रिक्वेस्ट कर, फिर से कोशिश कर। पुष्पा, टिकट ब्लैक कर रहा है या बीच पर चने बेच रहा है? रिक्वेस्ट कर। गाल तेरे गुलाबी, लगती है तू शराबी। कैसी घटिया कविता है ये? कवि सम्मेलन नहीं है, कुछ नया ला। अभी लाता हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। पुपू, नहीं पुपू गंदा होता है। पुष्पी, नहीं पपी, ले डाल दूध मलाई। सीख गया है। दुबई के रेगिस्तान में बर्फ का महल बनाएंगे, फिर गोल्ड की शॉपिंग करेंगे। वहाँ का गोल्ड 99% खरा होता है तुम्हारी तरह। क्या करोगे? 40 दिरहम का बुर्ज खलीफा का टिकट निकाल कर तुझे छोड़ आऊंगा। क्या?